विद्यार्थी मित्रों, धोरण सात में हम हिंदी पढ़ रहे हैं। चौथे पाठ की जब हमने चर्चा की थी तब मैंने बोला था कि चौथा पाठ रिलेशन में रखेंगे, तो आज मैं रख दूंगी उसका आपको अध्ययन, यानी कि नोट में लिखना है। उसमें व्याकरण में काल परिवर्तन आते हैं, वह भी आपको लिखने है। मैं आज लेसन भेजूंगी, वो नोट में लिख लेना। आज हम काव्य पांच धरती की शान देखेंगे। उसके कवि पंडित भरत व्यास जी हैं। उन्होंने धरती पर रहने वाले मनुष्य की बात की है, वह बड़े बुद्धिमान हैं। तो यहाँ इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां प्राप्त की है। तो वह मनुष्य प्रकृति को बहुत शोभा तक अपने अनुकूल ढाल में सफल हुआ है। तो मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं, ऐसा इस काव्य में बताया गया है कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्य में अंत निहित यहाँ बताया गया है। मनुष्य की महानता का प्रमाण इस काव्य में दिया गया है। तो इस काव्य धरती की शान कौन है? मनुष्य। वह बड़ा बुद्धिमान है, जो करना चाहे वह कर सकता है। वो उसके हाथ में सब कुछ करने की शक्ति है। तो धरती को शान जो बताने वाली काव्य पंक्ति है, आज काव्य पंक्तियों का पठन करेंगे और फिर उसकी समझूती लेंगे। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। धरती की शान तू भारत की संतान, भारत की संतान तू है और धरती की शान है, यानी शान मतलब वैभव। तो उसका जो वैभव है वह तू ही है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, मुट्ठी हमारी जो मुट्ठी होती है उस मुट्ठी में बंद तूफान, हम कुछ भी करना चाहे तो हमारी मुट्ठी में होता है, सब कुछ हम कर सकते हैं। तो मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य को यहाँ महान बताया गया है। तू जो चाहे पर्वत को पहाड़ को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे मिट्टी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। तो यहाँ इस पंक्ति में कहा गया है कि तू पहाड़ को भी तोड़ने की शक्ति रखता है मनुष्य, नदियों के मुख को भी मोड़ सकता है। हम यहाँ हम देखते हैं कि नदियों के मुख को भी मोड़ा गया है, जो बंद बांधे गए, तो यह बुद्धि का परिणाम है। जो हम जो विकास करते हैं, हमारे जो भारतवर्ष में जो विकास होता है वो मनुष्य की बुद्धि का ही परिणाम है। तो नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तो हम देखते हैं कि कई बंद बांधे गए हैं, तो नदियों के मुखों को भी मोड़ा गया है कि यह प्रवाह अटकाया गया, दूसरे पावर प्रवाह तक ले गए, तो यह भी मनुष्य करता है। मनुष्य क्या कुछ नहीं कर सकता, मनुष्य सब कुछ कर सकता है, ऐसी भावना इस काव्य में बताई गई है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे, अंबर यानी आसमान से जोड़ दे धरती को, धरती और आसमान से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण में मिला तुझको वरदान। अमृत बहुत ही स्वादिष्ट चीज जो है, धरती यानी पृथ्वी, अंबर यानी आकाश, नभ ज्वार अग्नि, तो यहाँ तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान, हमारी आत्मा में भगवान बसे हुए हैं, इसलिए हम सब कुछ कर सकते हैं।
नैनों में ज्वाल तेरी, गति में भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल रे। पृथ्वी है पृथ्वी के लाल तेरा, हिमगिरी सा बाल तेरी, भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज तो निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। जो यहाँ इतना अच्छा कहा गया है, नयनों नयन में नेत्र में आँख हम बोलते हैं, तो मैं ज्वाला ज्वाला यानी अग्नि, तेरी गति में भूचाल, भूचाल यानी भूकंप, आपने चालिए तो धरती ध्रुजे, तो ऐसी चाल है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है, हमारे हृदय में महाकाल, जैसे शिव जी, हम महाकाल किसे बोलते हैं, शंकर भगवान को, वो कैसे होते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं, तो हमारा क्रोध हमारे हृदय में भरा हुआ होता है। तो पृथ्वी के काल लाल तेरा, हिमगिरी सा भाल तेरी, भ्रुकुटी में तांडव का ताल, यहाँ भ्रुकुटी, यहाँ हमारी जो भ्रुकुटी है उसमें तांडव का ताल है, जो शिव जी का तांडव होता है उसका जो ताल हमारे सिर यानी मगज में। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, हमारे निज शक्तियों को पहचानने की यहाँ कवि ने चेष्टा की है। तेरी वाणी में युग का आह्वान है, तेरी वाणी जो है जो बोल रहे हैं उसका युग आह्वान है, तू जैसा बोलेगा उस तरह का उसका आह्वान होगा, आएगा। जो हमारे जीवन में हम अच्छी बातें करेंगे तो अच्छा होगा, बुरी बातें करें तो बुरा होगा। तो इस तरह की तेरी वाणी में युग का आह्वान है, अच्छा आह्वान लाना है, हमारी वाणी अच्छी होनी चाहिए। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर तू, जो चाहे तो काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मति मान, पवन सा तू गति मान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। तो धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, अग्नि यानी आग जैसा वीर है, धरती सा धीर, धीरज भी तेरे में बसी हुई है, धरती में जो धीरज है उसी तरह तुम्हारे हृदय में भी धीरज बसी हुई है। अग्नि सा क्रोध भी भरा हुआ है, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, काल ने पर रोकवानी शक्ति अपना मां छे एवं बतावे छे। पापों का प्रलय उनके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, पापों का प्रलय, प्रलय जो आप रुकाना चाहे तो प्रलय को भी आप रोक सकते हैं, शीश झुक जाए, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, हम हिम्मत से काम ले तो क्या कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। गुरु सा मति मान, पवन सा तू गति मान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान, मनुष्य को ऊंचा उड़ान बनने की बात की गई है, तू गतिमान है, बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ सकता है, नभ में भी उड़ सकता है, ऐसी बात यहाँ की गई है। यहाँ शब्द भ्रुकुटी और यहाँ कहते हैं काल समय, मति मान यानी बुद्धिमान। तो इस तरह जो शब्दार्थ भी हमने देखे तो यह काव्य पूर्ण होता है। तो यहाँ मनुष्यों की महानता की बात की है, मनुष्य बड़ा महान है, वह बुद्धिमान भी है, उस बुद्धि से क्या कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है, जो शक्ति बताई गई है इस काव्य में बताई गई है। आपको यह काव्य पढ़ना है, लिखना है और उसके प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखने हैं। जय श्री स्वामी नारायण।